मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे बच्चों रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशन। अगर इसकी हिंदी बोले तो प्रतिबंधित परमुटेशन को बोलते हैं क्रमचय, प्रतिबंधित क्रमचय। तो बच्चों इसमें क्या होगा कि कोई पर्टिकुलर लेटर या कोई पर्टिकुलर डिजिट की प्लेस जो है वो फिक्स कर दी जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड प्रे। एक वर्ड है प्रे और इसके लेटर से कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं ये हमें बताना है, नंबर वन। साथ में अगली कंडीशन भी, हाउ मेनी ऑफ देम विल बिगिन विद पी, और इसमें से कितने वर्ड जो होंगे वो पी से बिगिन होंगे। तो पहले तो ओपन में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई कंडीशन नहीं लगी है। तो अगर हम यहाँ वर्ड लिखें प्रे, पी आर ए वाई, तो आप देख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं यहाँ पर। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू फोर। इन फोर लेटर्स को लेके, फोर में से फोर लेटर्स को लेके कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ वर्ड, ये बनेंगे जब कोई कंडीशन नहीं है, 4p4 दैट इज फैक्टोरियल 4, 4 में से 4 लेके तो 4, 3, 2, 1, तो ये आपके 24 वर्ड्स बन जाएंगे प्रे वर्ड से। एक बात, दूसरी बात यहाँ पर ये है कि अब हमें बताना है कि इनमें से कितने वर्ड पी से स्टार्ट होंगे। तो जब हम पी को फिक्स कर देंगे, पी ये प्लेस फिक्स हो गई, अब हमारे पास कितनी प्लेसेस बची हैं, 3, और 3 प्लेसेस बचे हैं और हमारे पास लेटर्स भी कितने बच गए, 3। तो पी को फिक्स करने पर हमारे पास एक लेटर कम हो गया और एक प्लेस कम हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 लेटर्स हैं और 3 प्लेसेस, जब उनको कितने तरीके से परमुटेशन बना सकते हैं, 3p3, ये आंसर होगा। तो हम थोड़ी सी वर्डिंग लिख सकते हैं, यहाँ से सिंपल सा लिख दें, नंबर ऑफ वर्ड स्टार्टिंग विथ पी। तो हमारे पास क्या होंगे कि 3 लेटर्स बचेंगे और 3 ही हमारे पास प्लेसेस बचेंगे। तो 3p3, इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, और ये हो जाएगा 3 × 2 × 1। तो यहाँ पर हमारे पास जो लेटर्स, जो वर्ड आएंगे जो पी से स्टार्ट हो रहे होंगे वो 6 होंगे। चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है और क्वेश्चन है, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंदौर। ये वर्ड है इंदौर, तो कंडीशंस यहाँ पे दी हैं, ऑल वर्ड टू बिगिन विथ आई, नन ऑफ देम टू बिगिन विथ आई, एंड शुड बिगिन विथ आई एंड एंड विथ ई। अच्छा क्वेश्चन है, 3 पार्ट्स है और 5 मार्क्स भी बड़े आराम से क्वेश्चन पूछा जा सकता है ये। तो सबसे पहले तो हम कोई कंडीशन अगर ना लगाएं और देखें कि इंदौर वर्ड से कितने, इंदौर वर्ड के लेटर से कितने वर्ड्स बन सकते हैं फ्री हैंड, तो वो देखें हम। अगर यहाँ लिखें हम इंदौर, चलिए तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल लेटर्स हैं 6, तो इन 6 लेटर्स को लेके हम कितने तरीके से इस वर्ड को लिख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड 6p6, दैट इज फैक्टोरियल 6, फैक्टोरियल 6 × 5, 4, 3, 2, 1, और जब हम इसको करेंगे तो आंसर बच्चों आ जाएगा 720। चलिए अब हम 1 by 1 इसकी कंडीशन, ये तो अभी कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट कंडीशन इंदौर वर्ड से हम 720 वर्ड बना सकते हैं। बच्चों एक थोड़ा सा सरप्राइजिंग डिजिट आते हैं यहाँ पर, लेकिन ये एक्चुअल है,
इतने वर्ड्स आप बना सकते हैं, भले उनकी मीनिंग निकले ना निकले वो अलग बात है, लेकिन इनको अगर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम अरेंज करें तो 720 वर्ड बनेंगे ही बनेंगे। आपका जो नाम है उस नाम से आप देख सकते हैं कितने वर्ड बनेंगे। लेकिन अगर कुछ रिपीटिंग लेटर्स हैं तो उनके लिए क्या करना होता है वो मैं बताऊंगा। कभी कभी आपके नाम में कुछ वर्ड कुछ लेटर्स रिपीट हो जाते हैं, वो अलग आएगा। चलिए खैर, अभी अगर हम यहाँ फर्स्ट पार्ट की बात करें तो फर्स्ट पार्ट में कह रहा ऑल वर्ड टू बिगिन विथ आई। तो अगर हम यहाँ बच्चों आई को फिक्स कर दें, इंदौर है, इंदौर में अगर हम आई लेटर को फिक्स कर दें तो अब क्या होगा, ये तो फिक्स हो गया। अब हमारे पास कितने लेटर्स बचेंगे, यहाँ पर 5 लेटर्स बचेंगे। तो इन 5 लेटर्स से हमको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 5 तरीके से। तो यहाँ लिखे हैं इफ ऑल वर्ड स्टार्ट विद आई देन रिमेनिंग लेटर्स इक्वल टू 5, देयरफॉर नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स। रिक्वायर्ड मैंने इसलिए लिख दिया कि वो सारे वर्ड जो आई से स्टार्ट हो, तो ये आपका हो जाएगा 5 दैट इज फैक्टोरियल 5, दैट इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 120। मतलब अगर हम आई को फिक्स कर देते हैं तब जो है हमारे 120 वर्ड बनेंगे इन लेटर से। सेकंड क्वेश्चन है नॉन ऑफ देम शुड बिगिन विद आई, इनमें से कोई भी वर्ड आई से स्टार्ट ना हो तो हम क्या करें, टोटल में से जो वर्ड्स आई से स्टार्ट हो रहे हैं वो माइनस करते हैं। दैट ऑल, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वर्ड which are not started with I, तो I से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं तो टोटल है 720, और जो I से स्टार्ट हो रहे हैं वो हैं 120। तो ऐसे आपके पास जो वर्ड होंगे वो होंगे बच्चों 600। अब बात आती है कि एक और अलग कंडीशन दी है, और वो कंडीशन है कि ऐसे वर्ड हमें देखने हैं जो आपके आई से स्टार्ट हो रहे हैं और ई पर फिनिश हो रहे हैं। इंदौर मान लीजिए थर्ड पार्ट हम यहाँ पे करें, तो आई से स्टार्ट होने वाले और ई पर एंड होने वाले हमें वर्ड देखने हैं। तो अब यहाँ पर बच्चों 2 प्लेसेस और 2 लेटर फिक्स हो गए, ठीक है। तो अब हमारे पास जो अरेंज करने के लिए बच्चे वो कितने लेटर्स बचे हैं, 4। तो कितने तरीके से हम उनको अरेंज कर पाएंगे, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप थोड़ा सा यहाँ लिखें तो हम लिखेंगे इफ वर्ड स्टार्ट विथ आई एंड एंड विथ ई देन रिमेनिंग नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 4, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वर्ड्स क्या हो जाएंगे, 4 × 4 दैट इज फैक्टोरियल 4 एंड दैट इज 4 × 3 × 2 × 1। तो ऐसे बच्चों 24 वर्ड बनेंगे जो आई से स्टार्ट हो रहे होंगे और ई पर फिनिश हो जाएंगे। चलिए बच्चों, हमने नेक्स्ट बहुत अच्छा सा क्वेश्चन ले लिया है, और क्वेश्चन है यहाँ पर आपके मतलब का क्वेश्चन है। मान लीजिए यहाँ पर दिया है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट फ्रॉम 10 क्वेश्चन पेपर कैन बी मेड सच दैट द बेस्ट एंड द वर्स्ट पेपर डू नॉट कम टुगेदर। तो बच्चों अगर आपको क्वेश्चन आते हैं तो आपके लिए बेस्ट है, नहीं आते हैं तो वर्स्ट, वो अलग अलग हो सकता है अलग अलग बच्चों के लिए। खैर, हम ये मान लें एक सबसे सिंपल क्वेश्चन है, और हाउ मेनी अरेंजमेंट फ्रॉम 10 क्वेश्चन पेपर कैन बी मेड सच दैट 10 क्वेश्चन होगा,
तो कश्मीर पेपर्स नहीं होगा। एक मिनट बच्चों, देखता हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन पेपर चाहू मैंने अरेंजमेंट फ्रॉम 10 क्वेश्चन पेपर कैन बी मेड सच दैट बेस्ट एंड द वर्ड पेपर डू नॉट कम टुगेदर। ठीक है, यहाँ पर 10 पेपर्स हैं। तो बच्चों ये है कि अगर अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग, कुछ बच्चों के लिए वही पेपर सिंपल हो जाता है, कुछ बच्चों के लिए वही पेपर टफ हो जाता है, आपकी वो पढ़ाई पर डिपेंड करता है। लेकिन मान लेते हैं यूनिवर्सली कि एक क्वेश्चन पेपर सबसे सिंपल है और एक क्वेश्चन पेपर सबसे टफ है। तो चलिए अगर हम यहाँ पर रैंडमली इनको अरेंजमेंट करें तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ पहले क्वेश्चन पेपर क्या है? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स हैं 10। तो अगर हम इनको अरेंज करें बिना किसी कंडीशन के तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ये हो जाएंगे फैक्टोरियल 10। अब चलिए, अब हम ये मान लें कि एक वर्स्ट और बेस्ट पेपर को एक ही मान लें, है ना, दोनों के एक साथ कर लें, वो हमेशा एक ही साथ आते हैं। तो अगर हम दोनों को एक मान लेते हैं तो अब कितने बच जाएंगे हमारे पास? 9 टोटल। वो 10 को, वो एक को, दोनों को एक मान लेंगे, बाकी 8 हो गए, 8 and 9। तो लेकिन जो दो हैं आपस में वर्स्ट और बेस्ट, वो भी आपस में कितने तरीके से अपनी प्लेस चेंज कर लेंगे? फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो इस तरीके से अगर हम यहाँ कहेंगे कि लेट वर्स्ट एंड बेस्ट पेपर, बेस्ट क्वेश्चन पेपर्स ऑलवेज तो उस केस में नंबर ऑफ अरेंजमेंट क्या होंगे? हमने उन दोनों क्वेश्चन पेपर को एक मान लिया है तो अब हमारे पास टोटल क्वेश्चन पेपर हो गए 9। तो उनको हम फैक्टोरियल 9 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन उन दोनों को जो हमने एक माना है उनको भी हम फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो ये टोटल अरेंजमेंट हुए जब वर्स्ट और बेस्ट क्वेश्चन पेपर एक साथ आ रहे हैं। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमें वो अरेंजमेंट बताने हैं जब वो दोनों एक साथ नहीं आ रहे। उस केस में हम टोटल में से इसको माइनस कर देंगे, कि हाँ लिखेंगे नंबर ऑफ अरेंजमेंट एंड बेस्ट एंड वर्स्ट क्वेश्चन पेपर्स डू नॉट कम टुगेदर। उस केस में हम इसको कहते हैं फैक्टोरियल 10। टोटल अरेंजमेंट में से फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 2 माइनस करते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल 9 माइनस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 ही होता है, तो 2 फैक्टोरियल 9। और यहाँ पर अगर हम फैक्टोरियल 9 कॉमन ले लें तो अंदर बच जाएगा 10 माइनस 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 8 फैक्टोरियल 9। इसको हम ओपन यू नहीं कर रहे, फैक्टोरियल 9 की बड़ी वैल्यू आएगी उसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, लेकिन आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर भी सकते हैं। ओके बच्चों, चलिए बच्चों नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन हाउ मेनी वेज 21 इंग्लिश बुक्स एंड 19 हिंदी बुक्स कैन बी अरेंज इन ए रो सच दैट नो टू हिंदी बुक्स आर टुगेदर। तो देखिए हमें यहाँ देखना है कि हिंदी बुक एक साथ नहीं आ रही है। तो हिंदी बुक अगर एक साथ नहीं आ रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इंग्लिश बुक को अरेंज करना पड़ेगा, है ना, इस तरीके। तो उनके बीच में हिंदी बुक पढ़ेंगी, तो इसलिए हम सबसे पहले इंग्लिश बुक को अरेंज कर लें। तो इंग्लिश बुक हमारे पास है कितनी? 21। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 21 इंग्लिश बुक। 21 इंग्लिश बुक को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 21 तरीके से। अब इनके बीच में हमें हिंदी बुक्स डालनी है, तो अब अगर हमने यहाँ 21 इंग्लिश बुक्स लगा दी हैं
तो हिंदी बुक्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास एक ज़्यादा प्लेस होगी, मतलब 22 प्लेसेस होंगी। हैं कैसे होंगे जरा वो देख लीजिए। चलिए अभी हम थोड़ा छोटा सा एग्जांपल देख के बताते हैं। अगर हम 3 इंग्लिश बुक्स अरेंज कर दें तो हिंदी बुक को अरेंज करने के लिए हमारे पास 4 प्लेसेस होंगी। कैसे कैसे? 1, 2, 3 जी। तो इस तरीके से जब 21 इंग्लिश बुक अरेंज कर चुके होंगे तो हमारे पास हिंदी की बुक अरेंज करने के लिए एक ज़्यादा प्लेस होगी और वो होंगी 22 प्लेसेस। तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेज या नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखते हैं, नंबर ऑफ अरेंजमेंट टू अरेंज 19 हिंदी बुक्स इन 22 प्लेसेस। है 22 प्लेसेस कैसे आए, बात समझ में आ गई आपको? चलिए कितने तरीके से इनको अरेंज कर सकते हैं, 22 की और हमारे पास है कितनी 19, तो ये आएगा 22 की 19। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो जाएंगे, देयरफॉर टोटल अरेंजमेंट आपके हो जाएंगे 22 × 19 × 21। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा फैक्टोरियल 22 / 22 - 19। एनपीआर का फॉर्मूला लग गया, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल 21। तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 22 × फैक्टोरियल 21 / फैक्टोरियल 3। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा, नहीं तो आप इसी तरीके से ये आंसर यहाँ पे रख सकते हैं। तो बच्चों ये भी उसी तरीके का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पीछे किया था। और यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन ए रो सो दैट नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, इसका मतलब हमें पहले बॉयज को अरेंज करना पड़ेगा। कितने बॉयज हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 बॉयज को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 5 बॉयज इन ए रो, ये कितने हो जाएंगे फैक्टोरियल 5। बॉयज को हम पहले क्यों अरेंज कर रहे हैं, क्यों? तो कंडीशन दी है कि 2 गर्ल्स एक साथ नहीं हों, तो जो नहीं हों उनको छोड़ के जो होते हैं उनको पहले हम यहाँ पे अरेंजमेंट कर देते हैं। चलिए तो अब हम यहाँ पर गर्ल्स को बैठाने के लिए, गर्ल्स को अरेंज करने के लिए हमारे पास कितने प्लेसेज होंगे, ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक ज़्यादा प्लेस मिलती है क्योंकि हमें 2 कॉर्नर की प्लेसेज मिल जाती हैं। तो हमारे पास गर्ल्स हैं कितनी, 3, और उनको हमें कितने प्लेसेस पे अरेंजमेंट करना है, 6 प्लेसेस पे। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ वेज टू अरेंज 3 गर्ल एट 6 प्लेसेस, है ना। तो देखिए जरा कितने तरीके से इसको हम अरेंज कर पाएंगे, 6, 3, 3। अब 2 गर्ल्स एक साथ नहीं होंगे, यहाँ टोटल नंबर ऑफ वेज हम देखें, टोटल नंबर ऑफ वेज तो ये हमारे पास होंगे कितने, फैक्टोरियल 5 × 6, 3, 3। तो फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 3, 6 / फैक्टोरियल 6 - 3, इनको हम सॉल्व कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 6 / फैक्टोरियल 3। और अगर हम इनको आगे सॉल्व कर रहे हैं तो फैक्टोरियल 5 = 120 × 720 / फैक्टोरियल 3 होता है 6। तो
ऊर्जा सर तो 20 हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई कर दो 0 2 4 एंड 2 7 14, तो आपका आ जाएगा 14,004। देखिए आश्चर्यजनक तरीके से ये नंबर आपको मिला है, और आप अगर इसको प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें तो आप सोचो, जरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि अगर आप 5 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं, है ना, और उनको इस तरीके से हमें अरेंज करना है एक रो में कि 2 गर्ल्स एक साथ ना बैठें 5 बॉयज और 3 गर्ल्स के अरेंजमेंट में, तो हम उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। यस देखिए ड्राइविंग देखिए 14,400। चलिए आप कभी बैठने कोशिश करिएगा, बैठते रहिएगा और फिर देखिएगा आप कितने तरीके से एग्जैक्टली यस आप बैठ सकते हैं, इनको अरेंज कर सकते हैं इतने तरीके से, एक भी तरीका कम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। बट आप अरेंज कर पाए तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं। तो चलिए कभी प्रैक्टिकल करिएगा और उसको काउंट करिएगा, ओके। चलिए बच्चों, अब हमने क्वेश्चन लिया है परमुटेशन विद रिपीटेशन का केस, यहाँ पर कि रिपीट हो सकते हैं लेटर्स या डिजिट जो भी हैं, वो उनको रिपीट होने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। यहाँ क्वेश्चन, हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड कैन बी फॉर्म विद द लेटर्स ऑफ द दिल्ली व्हेन द लेटर्स कैन बी रिपीटेड। तो सबसे पहले तो हम देखें कि अगर दिल्ली वर्ड पे ध्यान दें तो हमारे पास टोटल कितने लेटर्स हैं, 5। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स इक्वल टू 5, लेकिन हमें कितने लेटर्स का वर्ड बनाना है, 4 लेटर्स का। तो 1 2 3 4, 4 लेटर का वर्ड बनाना है, और हमारे पास दिल्ली में बच्चों कितने वर्ड हैं, कितने लेटर्स हैं, 5, 1 2 3 4 5। इसका मतलब हम पहली प्लेस को कितने तरीके से प्लस कर सकते हैं, 5 तरीके से पहली प्लेस को, है ना, क्योंकि इन 5 लेटर्स में से कोई भी एक लेटर रख दें। अब ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं, जो लेटर हम अभी रख चुके हैं उस लेटर को दोबारा नहीं रखेंगे, तो नो प्रॉब्लम, अनकंडीशनल है। इसका मतलब हम जो सेकंड प्लेस है उसको भी कितने तरीके से प्लग कर सकते हैं, 5 तरीके से, 5 भी। इसी तरीके से सेकंड थर्ड और फोर्थ प्लेसेज को भी हम 5 और 5 तरीके से प्लग कर सकते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल वेज कितने हो जाएंगे, हियर को टोटल नंबर ऑफ वर्ड आपके पास हो जाएंगे 5 × 5 × 5 × 5, तो 5 पावर 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यस बच्चों, हमने क्वेश्चन लिया है, हाउ मेनी वेट कैन 3 बुक्स बी कैप्ट इन 5 अलमीरा। 5 अलमीरा हैं और उनमें हम 3 बुक्स को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मान लीजिए ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ बुक्स हैं कितने, 3, टोटल नंबर ऑफ बुक्स इक्वल टू 3। टोटल हमारे पास अलमीरा कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये 5 अलमीरा, 5। तो अब चलिए, हम एक बुक मैंने हाथ में ली और हम इन 5 अलमीराज में कितने तरीके से रख सकते हैं, 5 में से कहीं भी एक जगह रख सकते हैं, तो कितने, 5 तरीके से। जब हमने दूसरी बुक ली और उसके, अभी कोई जरूरी नहीं है कि हम एक अलमारी में या एक अलमीरा में एक ही बुक रख सकते हैं, नो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम दूसरी बुक लेके चले, तो अब उसको भी हमारे पास रखने के लिए 5 अलमीरा अवेलेबल है, तो फिर से हम दूसरी बुक को भी कितने तरीके से यहाँ पे फिलअप कर रख सकते हैं, 5 तरीके से। चलिए अब दूसरी बुक रख गई, अब हमने तीसरी बुक उठाई और तीसरी बुक को भी हम 5 अलमीरा में कितने तरीके से रख सकते हैं, 5 तरीके से। तो टोटल नंबर ऑफ वेट क्या हुए, टोटल नंबर ऑफ वेट 5 क्यूब, दैट इज 125, ये आंसर हो गया बच्चों। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है
and how many weight can four prizes be distributed among three boys when one boy is eligible to get all the prizes? So total prizes कितनी हैं? Total prizes हैं यहाँ पर four, और total students कितने हैं या total boys हैं हमारे पास three. ये फोर प्राइजेज थ्री स्टूडेंट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जबकि कंडीशन क्या है कि एक बच्चा तीनों प्राइज भी ले सकता है। कोई यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं है कि नहीं साहब एक बच्चा अगर एक प्राइज ले चुका है तो हम उसको दूसरी प्राइज नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, थ्री, वन टू थ्री स्टूडेंट। चलिए थ्री स्टूडेंट में हमें फोर प्राइजेज डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हम क्या करें हम यहाँ पर प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो एक प्राइज अगर हम लेके चलेंगे तो कितने तरीके से हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक प्राइज को तो ये बच्चों टोटल प्राइज फोर हैं, टोटल बॉयज थ्री हैं। तो हमने पहली प्राइज ली और पहली प्राइज को तीन बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, वन टू थ्री। तो पहली प्राइज को हम कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, तीन तरीके से। चलिए चाहे इसको दे दें, चाहे इसको दे दें, चाहे इसको दे दें, ये बॉयज है। अब हमने दूसरी प्राइज ली और दूसरी प्राइज भी हम कितने तरीके दे सकते हैं इनको, चाहे पहले को दे दें, चाहे दूसरे को दे दें, चाहे तीसरे बच्चों को दे दें। तो ये भी कितने तरीके हो गए, थ्री। इसी तरीके से तीसरी प्राइज भी हम तीनों बच्चों में तीन तरीके से दे सकते हैं, और इसी तरीके से चौथी प्राइज भी हम तीनों बच्चों में हम दे सकते हैं। कितने तरीके से, तीन तरीके से। तो आपका टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, आपके टोटल नंबर ऑफ वेज टू डिस्ट्रीब्यूट दी प्राइजेज ये हो जाएंगे थ्री पावर फोर, और यही हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लिया है बच्चों हमने यहाँ पे, फाइव लेटर्स आर टू बी पोस्टेड, देर आर फोर लेटर बॉक्स एट आवर डिस्पोजल एंड हाउ मेनी वेट कैन दी लेटर बी पोस्टेड। बच्चों कभी लेटर लिखे हैं आपने, हाँ? अब आजकल तो ईमेल और व्हाट्सएप का ज़माना है, लगता है अब लेटर लिखना थोड़े पुराने ज़माने की बात हो गई है, लेकिन लेटर बॉक्स तो देखे ही होंगे आपने, कहीं ना कहीं अभी लगे दिखाई दे जाते हैं। तो लेटर बॉक्स में हमारे पास कितने लेटर बॉक्स हैं, फोर लेटर बॉक्सेज हैं यहाँ पर। तो यहाँ लिखते हैं हम टोटल लेटर्स इक्वल टू फाइव एंड टोटल लेटर बॉक्स इक्वल टू फोर। चलिए हमारे पास यहाँ पर फोर लेटर बॉक्स हैं, हमारे पास फाइव लेटर्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक लेटर बॉक्स में फाइव लेटर्स हमारे पास हैं, तो कितने तरीके से हम डाल सकते हैं एक लेटर बॉक्स को, हम पांच तरीके से यूज कर सकते हैं लेटर डालने के लिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, फाइव। इसी तरीके से हम जब दूसरे, हमारे पास थ्री हैं, हम क्या करें कि एक लेटर एक बॉक्स में डालें या पाँचों के पाँचों लेटर एक बॉक्स में डाल दें। तो ये हमारे पास च्वाइस है कि हम कह, लेकिन मैक्सिमम हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, फाइव। इसी तरीके से दूसरे लेटर बॉक्स में हम पांच तरीके से लेटर डाल सकते हैं, तीसरे लेटर बॉक्स में भी हम पांच तरीके से लेटर डाल सकते हैं, और चौथे लेटर बॉक्स में भी हम पांच तरीके से आपका लेटर यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज पोस्टेड लेटर्स ये हो जाएंगे फाइव टू दी पावर फोर।
तो 5 पावर 4, और यही बच्चों आपका आंसर आ जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 हम अगर करते भी हैं तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 625 आपके तरीके आ जाएंगे। जितने तरीके से आप देखिए, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग डिजिट यहाँ पर आता है। जब हम यहाँ अरेंजमेंट देखते हैं कि अगर हम हमारे पास 5 लेटर्स हैं और 4 लेटर बॉक्सेज हैं, तो हम वो 5 लेटर 4 लेटर बॉक्सेज में 625 तरीके से पोस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको इमेजिन करना भी थोड़ा मुश्किल होगा इतने तरीके से। यस, लेकिन अगर प्रैक्टिकल करें तो आप इतने तरीके से कर सकते हैं। और एक तरीके से देखा जाए, यही परम्यूटेशन की प्रैक्टिकल, बल्कि हम कहें कि रिपीटेड परम्यूटेशन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। इस तरीके से हम आंसर यहाँ निकाल सकते हैं। तो बच्चों, परम्यूटेशन हमने यहाँ पर आज सीखा है, और कई तरीके के परम्यूटेशन हमने यहाँ पर बात कर लिया कि आपको एक रो में अरेंज करना है, या रिपीटेड परम्यूटेशन की बात भी कर ली, या रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन की बात कर ली, जब हमें कंडीशन दी होती कि नहीं, इस पर्टिकुलर प्लेस पर यही डिजिट आएगा, या कोई वर्ड इस पर्टिकुलर लेटर से स्टार्ट होगा और इस पर्टिकुलर लेटर पर एंड होगा। तो इस तरीके से हमने बहुत सारे तरीके से परम्यूटेशन यहाँ पे पढ़े हैं, और हमें उम्मीद है कि आपको ये परम्यूटेशन टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम नेक्स्ट जो टॉपिक लेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो टॉपिक होगा आपका कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, आप इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स लेके खूब करें, और बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं करें, जिससे कि आप बड़े आसानी से परम्यूटेशन के क्वेश्चन कर पाएँ। थैंक यू।